Assalamualaikum, welcome back to my channel. तो friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने जा रही हूँ डेनबेज का. मेरे पास फेशियल है, इसमें 6 प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं. तो ये 6 प्रोडक्ट ले लें तो आपको किसी भी सैलून में जाने की जरूरत नहीं रहेगी. तो मैं आपको वन बाय वन सबका बताऊंगी कैसे यूज करना है. जिनको फेशियल नहीं करना आता उनके लिए बहुत ही बेस्ट जाएगी वीडियो. तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन बनी है उस पर भी हिट कर दें ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब. तो फ्रेंड्स, मेरे पास है डेनबेज का फेशियल. तो बहुत से लोग इसको जानते होंगे, जो नहीं जानते तो आज की वीडियो स्पेशल उनके लिए है. तो फ्रेंड्स, फेशियल में सबसे जो पहला स्टेप होता है उसमें आपने करना ये होता है कि आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश करना होता है. जो भी फेस वॉश आप यूज कर रहे हैं आप उसके साथ अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद आपने करना है क्लींजर. तो मेरे पास जो है डेनबेज का है मल्टी विटामिन वाइटनिंग क्लींजर है. आपने इसको 5 मिनट तक आपने इसको अपने फेस को अच्छी तरह आपने इससे क्लीन करना है, उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लें. काफ़ी हद तक मैंने यूज़ कर लिया है. और बात कर लीजिए इस फेशियल की प्राइस की, ये जो हमें 6 आइटम्स है ये हमें अवेलेबल होंगे मार्केट में, इजीली आपको दराज से भी मिल जाएंगे, saloni.pk से भी मिल जाएंगे. तो फ्रेंड्स, ये आपको मिलेंगे 1000 से 1200 की रेंज में. आपने 5 मिनट तक ये क्लींजर करना है. आप कोई और भी क्लींजर यूज कर सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको रिव्यू डेनबेज के प्रोडक्ट का कर रही हूँ तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी. तो ये क्लींजर लें, ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, ऑयली ड्राई स्किन वालों के लिए, आज स्किन टाइप वालों के लिए ये बेस्ट क्लींजर है. 5 मिनट तक आपने इसको अच्छे से क्लीन करना है अपने फेस को. तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा तेज तेज बोल रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना चले जाए, तो बहुत से लोग बोर हो जाते हैं मेरी बकवास सुन के. तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपने यूज करना है मल्टी विटामिन वाइटनिंग स्क्रब. इसका स्क्रब भी बहुत अच्छा है और ये क्लींजर भी बहुत अच्छा है. मैं इन पे डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगी, वो भी आप देख लीजिएगा. तो आपने इनको लेके देखिए, इस तरह का है ये, कुछ इस तरह की फॉर्म में है. आपने जो है लाइट हैंड से अच्छे से स्क्रब करना है. जिनके फेस पे एक्ने है वो बिल्कुल भी इसको यूज ना करें, क्योंकि आप बिल्कुल भी स्क्रब उनको रब करेंगे तो ज्यादा मसला होगा. तो जिनकी स्किन है एक्नी नहीं है वो यूज कर लें, और एक्नी खत्म करने होने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, उसके बाद आपने यूज करनी है मल्टी विटामिन वाइटनिंग मसाज क्रीम. मसाज क्रीम यूज करते हैं हम ये क्लींजर और स्क्रबिंग के बाद, कि हमारे फेस बहुत रेड सा हो जाता है, इससे हमारी फेस की रेडनेस खत्म हो जाएगी. आपने ये दोनों चीजें 5 मिनट करनी है. उसके बाद ये जो है मसाज क्रीम है उसको भी आपने 5 मिनट तक अच्छे से लेके देखिए, इस तरह की इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है. अच्छे से सॉफ्ट हैंड से आपने ये सब यूज करके आपने जो है आपने फेस को वॉश करना है साफ पानी के साथ. बिल्कुल भी आप कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करेंगे. 5-5 मिनट आपने तीनों चीजें यूज करनी है. और फ्रेंड्स, ये नहीं है कि हम इसको यूज करेंगे तो हमारा फेस जो है थोड़े टाइम में ही बहुत ही ज्यादा वाइट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है. कोई भी फेशियल यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल इस उम्मीद के साथ नहीं करेंगे. आप एक बार यूज करेंगे तो आपका जो है वो कलर बहुत ज्यादा वाइट हो जाएगा. और फ्रेंड्स, आपने इसको 1 माह में 2-3 बार बिल्कुल भी नहीं करना. तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपने ये 1.5 माह बाद 2 माह बाद आप इसको यूज करें. कोई भी फेशियल को आप इस तरह यूज करें, ये नहीं कि डेनबेज का फेशियल की बात कर रही हूँ, आप कोई सा भी फेशियल हो उसको ऐसे यूज ना करिए, उससे हमारी स्किन के साथ बहुत ज्यादा मसले हो जाते हैं. आपने 5 मिनट तक इसको करना है, क्लींजर को करना है, 5 मिनट तक जो है स्क्रब करना है, उसके बाद ये मसाज क्रीम करनी है. ये तीनों स्टेप हो गए. उसके बाद बारी आ जाती है हमारे फेस को पॉलिशिंग करने की. स्किन पॉलिश है डेनबेज का ही है, तो आपने इसको करना है. और फ्रेंड, जैसे कि इसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, तो आपने इसको ऐसे यूज करना है कि आपने इसमें ये 1 चम्मच इसका ले लेना है. उसके बाद आप कोई सी भी ब्लीच ले लें, कोई सी भी जो भी अवेलेबल है आपके पास, पार्ले होगी, केयर होगी, और जो पीच ब्लीच भी अच्छी है, जो भी कोई आप यूज करना चाह रहे हैं आपने ले लें. और हाफ आपने ये जो है इस ब्लीच की जो है क्रीम ले लेनी है, और हाफ पाउडर ले लेना. आप बिल्कुल भी ज्यादा पाउडर इसमें ऐड नहीं करेंगे. अगर हम ब्लीच में ज्यादा पाउडर ऐड करते हैं तो हमारी जो है स्किन ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है. 1 चम्मच आप ले लें, और उसके बाद आधा आपने ये ऐड कर लेना है. आपने 1 चम्मच से ज्यादा भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी नेक पे भी अप्लाई करना होता है. और बाद में आप इसमें ऐड कर लें ये जो है शाइनर, ये मल्टी विटामिन वाइटनिंग स्किन शाइनर है. आपने इसको ऐड कर लेना है, और इससे हमारी स्किन जो है काफी शाइन आ जाता है. मेरे पास ये खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं उनको दूसरे फेशियल में भी मैं इसको यूज करती हूँ. ये जो है जेल शाइनर है हमारे पास. और उसके बाद फ्रेंड्स, आपने इसको 15 मिनट तक अपने फेस पे लगा रहने देना है. और उसके बाद अपने सिंपल वाटर से, जो सिंपल टैप वाटर से, आपने इसको वॉश कर लेना है. सोप बिल्कुल नहीं यूज करना है, मैं अगेन बता रही हूँ, आप इसको यूज नहीं कर
करेंगे सोप इस पे। और उसके बाद आ जाता है ये जो है इसका मास्क आ जाता है, वाइटनिंग मास्क। ये जो है, ये जो 6 प्रोडक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये वाइटनिंग के लिए यूज हो रहे हैं। तो वाइटनिंग मास्क आप इसका जो है वो यूज करेंगे, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। जैसे कि सबसे ज्यादा मैंने जो है इसका वाइटनिंग मास्क यूज किया है, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट और मुझे बहुत पसंद है। आपने इसको अपने फेस पे मोटी सी लेयर आपने इसको लगा लेनी है, देखें किस तरह, इस तरह आपने इसको मोटी सी लेयर लगा के छोड़ देना है। आपने इसको तकरीबन आप आधा घंटा तक इसको रखेंगे, जब ये अच्छी तरह हमारा फेस ड्राई हो जाए तो आपने फिर इसको निकालना है। बिल्कुल भी 10-15 मिनट तक आपने ये नहीं कि इसको लगा के आप छोड़ देंगे और जल्दी से इसको निकाल देंगे, फेस वॉश कर लेंगे। आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। आपने आधा घंटे तक इसको जो है ये मास्क को आपने इसको रखना है अपने फेस पे। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो जैसे स्क्रब करते हैं, हल्का सा पानी लगा के इसको आप निकाल लें। तो फ्रेंड्स, आपने इसको ज़्यादा जल्दी नहीं उतार लेना, जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ इसको, आपको इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद जो है बात करते हैं हम जो है टोनर की, फेस फ्रेशनर की। तो ये मैं क्यूट प्लस का आपको सजेस्ट करूंगी, आप डेनिबेस का भी ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो क्यूट प्लस का है, मैं यही यूज करती हूँ। इसका रिव्यू मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो जरूर चेक कर लीजिएगा। आपने करना क्या है कि सब अच्छे से फेस वॉश करके ये जो हमने मास्क लगाया है उसको उतार के आपने ये जो है कॉटन में लेके आपने इसको अप्लाई कर देना है अपने फेस पे। ये कुछ इस तरह की फॉर्म में निकलेगा, तो आपने इसको कॉटन में लेना है, ऐसे नहीं लेना बिल्कुल भी। ये निकल क्यों नहीं रहा, आपने इसको ऐसे लेना है, इस तरह की ये फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में आएगा। आपने इसको ऐसे ही लेके आपने इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर देना है, कॉटन की हेल्प से आपने इसको अप्लाई करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने छोड़ देना है इसको, आपका जो फेशियल है वो कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ले आए, 1000 में मिलेगा। मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये हमने सबसे पहले क्लिंजर करना है 5 मिनट तक, उसके बाद जो सेकंड स्टेप में आ जाता है स्क्रब करना है अच्छे से, ये भी 5 मिनट तक। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आप बिल्कुल मत यूज़ करें। उसके बाद बारी आ जाती है मसाज क्रीम की, इसलिए यूज करते हैं कि हमारा फेस जो है वो रेड हो जाता है ये क्लिंजर और स्क्रबिंग के बाद। उसके बाद आ जाता है पॉलिशिंग, कैसे बनानी है, स्किन पॉलिश ले लेनी है और जितनी आपने यूज करनी है। आप ये क्रीम का पैकेट लेंगे, कोई सी आप ब्लीच यूज कर सकते हैं, पार्ले केयर पीच क्रीम जो क्रीम ब्लीच है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। और हाफ आपने ये जो पाउडर इसमें ऐड कर देना है, और जो है हाफ टी स्पून तक जो है ये जेल शाइनर यूज कर सकते हैं आप। और उसके बाद आपने मास्क लगाना है 20 से 30 मिनट तक लगाना है, और उसके बाद हमने फेस को टोनर यूज कर लेना है फेस के लिए, जो कि बेस्ट है और हमारे ओपन पोर्स को श्रिंक करने में बहुत हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है डेनिबेस के फेशियल के बारे में, फुल रिव्यू दिया है। तो अगर आप ये ले आएंगे तो आपको जो है पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंसिटिव स्किन, ऑयली ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट मुझे नहीं हुआ और आई होप आपको भी नहीं होगा। तो प्लीज आप ये लेके आए मेरे कहने पे और इसको ट्राई करें। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियोज को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मेरी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।